सो गाइस फाइनली यहाँ पे 1.20 का अपडेट आ चुका है और इसी के साथ इसमें नए नए फीचर आए और कुछ नए बायोम आए। जैसे कि आप एक देख सकते हो, ये है चेरी ब्लॉसम का बायोम जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और बहुत लोगों को इसको फाइंड करने नहीं आ रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है और बहुत रेयर बना है इसमें, तो बहुत लोग इसको फाइंड नहीं कर पा रहे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको लगभग 2-3 मिनट के अंदर कैसे फाइंड कर सकते हो। इसको फाइंड करने का बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है और इसको कोई फाइंड करना बड़ी बात है नहीं, बस आपको है ना आपका वर्ल्ड क्रिएट करना और मैं आपको दिखा दूँ आप कैसे फाइंड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सिंपल है क्योंकि ना ये बहुत ब्यूटीफुल है और इससे ना बहुत अच्छा डेकोरेशन होता है, इसलिए इसको फाइंड करने का है ना लोग बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं और बहुत सारी गलतियाँ कर दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको फाइंड कैसे कर सकते हो। और अगर आपके पास 1.20 नहीं है तो सिंपली कमेंट सेक्शन चेक करो, आपको मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से प्ले कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको सबसे पहले ना गूगल को ओपन करना है और चंक बेस के ना वेबसाइट पे जाना है और इसको आपको ओपन कर लेना है। इसमें ना देख सकते हो 1.20 का सारे फीचर आ चुके हैं, तो आपको खाली चेरी ब्लॉसम का बायोम फाइंड करना है, आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो ऊपर आपको है ना देख सकते हो ऐप्स का मोड्स का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली ऐप्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर बायोम के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको है ना यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट देख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जो कि कॉमन से ऑप्शन होते हैं। आपको सबसे पहले ना यहाँ से सेलेक्ट कर लेना वर्जन, यहाँ से मैं बेडरॉक 1.20 सेलेक्ट करता हूँ। आप चाहो तो 1.17 में तो वैसे चेरी ब्लॉसम है नहीं, तो 1.20 सेलेक्ट करते उसके बाद आपको आपके वर्ल्ड का सीड दे देना है। तो मैं ना रैंडमली कोई भी सीड दे देता हूँ और आपको ना मतलब अपने वर्ल्ड में भी जाकर दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक देख सकते हो सीड दे दिया है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और आपको आपका है ना कोऑर्डिनेट देना है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता हुआ आपको है ना कोऑर्डिनेट देना पड़ता है आपकी जो करेंट लोकेशन है। तो मैं अपनी करेंट लोकेशन दे देता हूँ। तो यहाँ पे ना मैं देख सकते हो एक्स और जेड देना है, वाई देने की ज़रूरत नहीं। तो एक्स मैं 100 दे देता हूँ और वाई आपको है ना जो भी लोकेशन के आसपास ही है वही देना है, या फिर आप जहाँ पे रहते हो आपका स्पॉन पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट देना है। तो यहाँ पे गो करता हूँ और यहाँ पे आपको चेरी ब्लॉसम का बायोम ढूंढना है। देख सकते हो पिंक कलर का हो गया और मुझे दिख भी गया देख सकते हो। तो यहाँ पे ना आपको चेरी ब्लॉसम का बायोम मिल गया है, तो मैं यहाँ पे जूम करता हूँ और मैं ना यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट देख लेता हूँ। उसके ऊपर क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट बताएंगे, उसके नीचे देख सकते हो मैप के यहाँ पे एक्स और जेड दोनों बता रहा है। तो इस तरीके से आप है ना जितने चाहिए उतने है ना चेरी ब्लॉसम का बायोम फाइंड कर सकते हो। तो पता नहीं इसको चेरी ब्लॉसम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे आपको सीड देखना है और आपका वर्जन देखना है। बेडरॉक अगर आप पॉकेट एडिशन खेलते हो तो बेडरॉक आएगा, और बेडरॉक खेलते हो तो भी बेडरॉक आएगा, और अगर आप जावा खेलते हो तो आपको जावा सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमको मिल चुका है देख सकते हो चेरी ब्लॉसम, दो दो मिल गए। लेकिन मैं है ना पहले वाले के साथ ही जा रहा हूँ, तो पहले वाले का कोऑर्डिनेट हम देखते हैं। पहले वाले का कोऑर्डिनेट है 100 के आसपास और -900 के आसपास, तो ये कोऑर्डिनेट को आपको नोट करना है। उसके बाद है ना मैं यहाँ पे माइनक्राफ्ट को ओपन करता हूँ, तो चल के हम फटाफट से आपको माइनक्राफ्ट के अंदर चल के मैं इसको दिखाता हूँ। कोऑर्डिनेट आपको ध्यान देना है और सीट ध्यान देना है, एक ही होगा आपको है ना, ऐसा नहीं कि मैं दूसरा बोलूँगा और दूसरा दिखाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं, आप अच्छे से मैच कर लो। तो यहाँ पर ना देख सकते हो मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर लिख के आ रहा 1.20, काफ़ी सही लग रहा है। तो यहाँ पे मैं एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट करने वाला हूँ और वही कोऑर्डिनेट के साथ करने वाला हूँ और वही सीड के साथ, आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ नए फीचर भी है नए वर्ल्ड क्रिएट करने का, बट कोई नहीं ये तो छोटे मोटे से फीचर्स है। तो एडवांस में हम चलते हैं, नीचे मिलेगा आपको। और जो सीड है ना यहाँ पे मैं जो सीड वहाँ पे था वही डालता हूँ, देख सकते हो सेम टू सेम सीड है, मैच कर सकते हो स्किप करके। तो यहाँ पे ना उसके बाद मैं यहाँ से क्रिएटिव कर लेता हूँ ताकि फटाफट वहाँ पे जाके दिखाऊँ और वर्ल्ड को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है और मैं वही कोऑर्डिनेट पे जा रहा हूँ। याद रखना वो +100 के आसपास था और -900 के आसपास था, तो मैं आपको वहीं पे चल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको कुछ भी फाइंड करना तो इस तरीके से कर सकते हो। चेरी ब्लॉसम का व्यायाम भी इसी तरीके से फाइंड कर सकते हो। नॉर्मली फाइंड करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप जा सकते हो, ट्राई कर सकते हो अगर एडवेंचर करना हो तो, नहीं तो आप यही मेथड के थ्रू यहाँ पर चेरी का है ना जो बायो में नया वाला वो फाइंड कर सकते हो। ओके यहाँ पर मुझे एक विलेज मिल गया, बट विलेज से मुझे क्या करना है, मुझे वो कोऑर्डिनेट पे जाना है। तो ज़्यादा दूर नहीं है शायद से यहाँ पे 150 ब्लॉक और ओके दिख गया देख सकते हो। मतलब इसका क्रेज इतना क्यों है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नया है और बहुत रेयर है, ऊपर से बहुत ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल लगता है। तो एनीमे में इतना चेरी ब्लॉसम का है ना क्रेज़ बना दिया, एनीमे में आपने देखा होगा बहुत ही तगड़ा लगता है, जापान में तो होता ही है मोस्ट ऑफ, बट काफ़ी सही है। तो यहाँ पर हमने चेरी ब्लॉसम का बायोम ढूंढ लिया, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगा जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ ही मिनट में हो चुका है। और आपको दोबारा बताता हूँ, अगर आपके पास है ना 1.20 अपडेट नहीं है तो फटाफट कमेंट सेक्शन चेक करो, मिल जाएगा। और यहाँ पे ना बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, आप बताना आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस पे चाहिए, आपको क्या फाइंड करना है। कोई भी अगर आपको है ना कुछ भी टाइप का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जाकर बता दो, उस टाइप का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ क्योंकि भाई चेरी ब्लॉसम का बायोम जो मैंने ढूंढा है थंबनेल बनेगा। तो चलो यार, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर देना। अभी है ना मैं माइनक्राफ्ट खेलने चलता हूँ क्योंकि अब 1.20 है ना, तो मुझे एक्सप्लोर करना है, नए नए चीज़ें ढूंढने और नए नए फार्म बनाने। आपको यकीन नहीं होगा क्योंकि कुछ नए नए फार्म आए हैं जो कि बहुत क्रेजी है, उसके भी ट्यूटोरियल वीडियो आने वाले हैं।
तो चलो इसी बात पे एक लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं एक नए माइंडक्राफ्ट के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।